सिर्फ ख्वाबों से नहीं घर बनता है इरादों से। द पाम्स काउंटी। बाहर मत निकलो रातों में 12 बजे के बाद, नहीं आना बोले तो भी तुम्हारे को ना जोरू ना बच्चे ना अम्मा बाबा ना कुछ भी नहीं। माकड़ खानदान का पास नाम बदनाम करना, सबका नाम बदनाम करना, क्या कर इस कौम में पैदा हुए माकड़। पूरा ले आके बैठा, कल उनके बड़े आदमी आए बाद उनको बात करके काउंसलिंग करके भेजेंगे। चलो भाषा पुलिस की लैंग्वेज पूरा इस्तेमाल कर रहे तो करता मैं। आप लोग गांव सोशल सर्विस एसोसिएशन नेशनल प्रेसिडेंट एंड फाउंडर, जैसे कि वीडियो सर की वायरल हो रही थी मार्केट में, तो सर का इंटेंशन कुछ और था बोलने का, तो सर ये बोलना चाह रहे थे कि क्या ये आप इतने अच्छे होम में पैदा होके और ये क्या काम कर रहे आप, ये बोलना चाह रहे थे सर, लेकिन फ्लू में थोड़ा काउंसलिंग में वैसी लैंग्वेज निकल गई, तो सर है ना तहे दिल से माफी चाह रहे हैं और अल्लाह अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर रखते हुए माफी चाह रहे हैं, और सर है ना पब्लिक से भी माफी चाह रही, मेरे से गलती से हो गया, मेरे को बना बोल के मैं नहीं कर रहा, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था बोल के बता रहे हैं, तो सर हमारे डॉक्यूमेंट से अगर आपको मेरे पास चिट्ठी बता रहे जो स्नूकर पार्लर में जो गेट करके रात देर के लोगों को पकड़ा गया, उसमें पूरा चलाने वाले मुस्लिम गाड़ी वाले साहब थे और उसमें पूरे बच्चे जो मुस्लिम थे, उसमें मेरे को देख के जरा एक कौम का दर्द भर के उनको बोला था, अरे भाई टाइम कर रहे तुम ऐसा मुस्लिम है कैसा नहीं करना ना, ऐसा पूरा गलत रास्ते पे चले जा रहे बोलते ऐसा उनको ये करते भी है। वो मैं इतनी अच्छी फॉर्म में गलत लोग पैदा हो जा रहे बोल के बोलने का मेरा मतलब था, वो गलती से अपने जबान में वो जरा उलट गया वो जबान, मेरा बोलने का मकसद अपनी अच्छी फॉर्म में गलत लोग पैदा हो जा रहे बोले तो बोलने का मतलब था, तो उसको जरा एक अल्फाज नीचे ऊपर हो गए, हमारी नीयत वैसी नहीं है, अगर मेरे को कौम का जज्बा है बल्कि मैं वो बात करा, आप पहले से वीडियो देखे तो कौम के जज्बे से बात करा, मैं कौम के जज्बे से बात करने के बाद मैं अपनी कौम को मेरा बोलने का मतलब ही नहीं है, थोड़े जो लोग हैं वो गलत मेरे को डाउन करने के लिए ऐसा कुछ जो गलत जो चला रहे हैं धंधे कर रहे हैं वो लोग मेरे खिलाफ कुछ वायरल कर रहे हैं उनके मालूम हुआ, इसलिए मैं यहाँ ये वीडियो अपने आग्रेशन सर्विस आके मेरे को बोल तो मैं उसकी सलाह कर रहा हूँ, और अगर कि और मेरे को कुछ तकलीफ हुई मैं रियलाइज करा उस बात को, अच्छा वो जमान उलट जरा आगे पीछे हो गया अल्फाज, अपनी नीयत तो साफ है फिर भी हमारे कौम के किसी जुलमा लोगों को किसी नेक लोगों को हमारी कौम के कुछ तकलीफ है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उसमें। Yeah.